ईद की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल गया हूँ। बाहर का व्यू यूँ इस तरह से, और इस वक्त काफी ज्यादा बरसात। अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को ईद मुबारक हो। और आज सऊदी में ईद है और हम सब एक साथ हैं। हालांकि बहुत से ऐसे बंदे थे और इस वक्त कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो अपना आपस के हैं, ये इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर। तो सुबह का व्यू है, आप लोग चेक करें कि बाहर का माशाल्लाह कितना अच्छा है, और सामने प्यारा सा KFC भी दिख रहा है। ये रोड का व्यू यूं इस तरह से है, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ मस्जिद की ओर। तो ये समेसी एरिया है। तो मैं इस वक्त ईद की नमाज अदा करने आया हूँ मस्जिद में, और मेरे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो इस वक्त मस्जिद के बाहर है और मस्जिद का ये नज़ारा है। अब चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं, क्योंकि इस वक्त रश कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। ये मस्जिद के बाहर निकलने के बाद व्यू यूँ इस तरह से है। हालांकि बाहर बरसात काफ़ी तेज हो रहा है इस वक्त। ईद की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल गया हूँ। बाहर का व्यू यूँ इस तरह से, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बरसात। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैं इस वक्त ईद की नमाज अदा करने आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद की नमाज अदा करके मैं बाहर की ओर निकल चुका हूँ, और बाहर का व्यू यूँ इस तरह से। और बरसात होने के कारण रोड पर इतना ज़्यादा इस वक्त जाम है कि जिसका जवाब नहीं, क्योंकि मस्जिद के अंदर उतना जगह भी नहीं था और काफ़ी लोग जो बाहर बैठे थे वो अंदर पहुंच चुके थे। तो इस वजह से, हालांकि बरसात का मौसम तो अच्छा ही होता है, पर ऐसे माहौल में अगर बरसात हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस वक्त अपने रूम के पास हूँ, और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद रूम पर आगे कुछ खाया पिया हूँ, और ये पीछे बैकग्राउंड का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। और इस वक्त बरसात हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी रुकी पड़ी है, पर रोड पर पानी भरा पड़ा है। तो ये हमारे चांद भाई है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाईजान। और परदेशियों की जो ईद होती है ना, वो डिजिटली ईद होता है, क्योंकि डिजिटल बोले तो ऑनलाइन ही बोला जाता है, भाई यार दोस्त रिश्तेदार को ईद मुबारक। सही बात है। जो परदेश में बंदे हैं वो करते क्या है, नमाज पढ़ क्या है, रूम में आके सो जाते हैं, रूम में आकर के और कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। तो यही ईद होती है, कहीं जा भी नहीं सकते। तो सबसे पहले चांद भाई से मिले हैं। चांद भाई, मीठा में कुछ है? खीर बनाया हुआ है। खीर बनाया, मैं भी खीर बनाया हूँ, थोड़ा लिमिट में खाऊ, उधर भी खाना चल करके इंशाल्लाह। तो सबसे पहले थोड़ा मीठे की शुरुआत करते हैं, खीर का, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं आगे की ओर।